तो जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद होगा अच्छे ही होंगे। तो आज हम पहुंच चुके हैं मड़ुआडी स्टेशन यानी कि बनारस स्टेशन पे, और आज की अपनी जो जर्नी होने वाली है वो प्लेटफार्म नंबर 8 से इंटरसिटी एक्सप्रेस से होने वाली है। आप पीछे हमारे देख सकते हैं प्लेटफार्म नंबर 8 पे इंटरसिटी एक्सप्रेस लगी है जो बनारस से चलकर गोरखपुर को जाती है, जिसका ट्रेन नंबर है 15104। और ये अपना ट्रेन जाती है बनारस से चलकर गोरखपुर। तो आइए शुरू करते हैं इसकी जर्नी और देखते हैं अपने इंटरसिटी एक्सप्रेस का लोकोमोटिव, जो पुराने ज़माने वेब और इंजन के साथ चलती है। तो आइए शुरू करते हैं इसकी जर्नी। तो बनारस स्टेशन से इसके चलने का टाइमिंग है, दोस्तों देख सकते हैं सुबह की एकदम अपने राइट समय 5:25 से अपने इंटरसिटी एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका है बनारस स्टेशन से के प्लेटफार्म नंबर 8 से। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज वाराणसी जंक्शन में। तो बनारस जंक्शन गोरखपुर मंडल के उत्तर मध्य रेलवे जोन में पड़ता है। सामने लगा है अपना ऑटोमेटिक वॉशिंग डिपो, यहाँ पे अपने ट्रेन की साफ सफाई धुलाई होती है मड़ुआडी स्टेशन पे बनारस। और सामने लगी हुई अपना बनारस मुजफ्फरपुर बापूधाम एक्सप्रेस, बापूधाम एक्सप्रेस बनारस से हफ्ते में 3 दिन चलती है, सोमवार बुधवार और शुक्रवार, जो बनारस से चल के मुजफ्फरपुर को जाती है बापूधाम एक्सप्रेस। Thank you.
दोस्तों तो मात्र 3 किलोमीटर के जर्नी सफ़र के बाद हम आ चुके हैं अपने पहले पड़ाव यानी कि वाराणसी जंक्शन। और वाराणसी जंक्शन जो है 9 प्लेटफार्म का एक बहुत ही बड़ा बिजी रेलवे स्टेशन है, आप लोग तो जानते ही होंगे। से रोज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में बहुत सारी ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और डिपार्ट होती हैं। कहाँ जाना है? ओडियार। हाँ आइए बैठ जाइए। आज पर खड़ी है, धन्यवाद। May I have your attention, please? Train number 04201. तो दोस्तों वाराणसी जंक्शन पे 5 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है और आप देख सकते हैं वाराणसी जंक्शन को कितना अच्छा, कितना बढ़िया, साफ सुथरा, काफ़ी आकर्षक बना दिया गया है। वाराणसी जंक्शन जिसका स्टेशन कोड हुआ BSV, और यहाँ से आपको सभी जगह के लिए ट्रेनें मिल जाएगी जो दिल्ली हावड़ा मेन रूट पे पड़ता है। देख सकते हैं रिटायरिंग रूम बनारस का जो अभी हाल ही में नया बना है। अलविदा बनारस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सब काम आता है। एक लड़का रोया जम करता, वो कर रहा है 11 बजे 2:30 बजे। पास कला से आराम से देख ली करते। तो दोस्तों 38 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हम अपने दूसरे हॉल्ट ओडियार जंक्शन पे आ गए हैं। ओडियार 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, अपने पकौड़ी के लिए ज़्यादा मशहूर है क्योंकि यहाँ पे पकौड़ी बहुत सारे आप देख सकते हैं पीछे ठेला पे बेचते मिल जाएंगे। और यहाँ से एक लाइन चली जाती है गाजीपुर वाया बलिया बिहार को चली जाती है, एक अपनी जो बनारस से आती है, एक गोरखपुर जाती है, इसलिए जंक्शन पॉइंट भी है। तो पकौड़ी ज़रूर खाइएगा क्योंकि ये पकौड़ी के लिए काफ़ी फेमस है।
जो बापू तार यार जंक्शन से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। लखनऊ छपरा एक्सप्रेस जो लखनऊ जंक्शन से चलकर छपरा जंक्शन हो जाएगी, ये गाड़ी आज कैंसल है। जनता दोबारा हमको चुनी है, इस बात से खुश है, ऊपर उठ के चुन रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, चुनी है उसको हम अच्छे से सैंतीस साल बाद दिया है दोबारा लगातार कभी भी ऐसा लगे कभी अटल कर तो आ रहा है विकास तो वही तरह हुई, उससे ज़्यादा ना कुछ हुई विकास तो हुआ, जब जी था रहे कलक मैटर हो गया विकसवा तो वही तरह। तो दोस्तों लगभग 96 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हम अपने तीसरे स्टॉपेज मऊ जंक्शन आ चुके हैं और इसका स्टेशन कोड हुआ MAU और जंक्शन पॉइंट इसलिए यहाँ से एक लाइन आजमगढ़ को जाती है, एक लाइन पेपना वाया बलिया जाती है और एक लाइन गोरखपुर को जाती है और एक लाइन यहाँ से दिलदार नगर होकर गाजीपुर को जाती है, इसीलिए इसको जंक्शन पॉइंट कहा जाता है। और 4 प्लेटफार्म का एक ठीक ठाक रेलवे स्टेशन है और लगभग 8 ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट होती है और 6 यहाँ पे टर्मिनेट होती है। तो मऊ शहर का एक बिजी रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों लगभग 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद मऊ जंक्शन से अपना डिपार्चर हो चुका है और मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज बेलथरा रोड स्टेशन पे।
ट्रेन अपने एकदम राइट समय से चल रही है। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह हमारे चैनल पे नई नई वीडियो आती रहेगी। बस पकड़ब तब ना चल और आते चले रहा है।
131 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हम अपने चौथे स्टॉपेज बेलथरा रोड स्टेशन पे आ चुके हैं। यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलेंगे आपसे एक नाइट ट्रेन जर्नी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।